साथियों अब हम पढ़ेंगे धारा 52 BNS को जो कि एक एडवांस एक्सप्लेनेशन है धारा 51 BNS का। क्या कहती है धारा कि अबेटर जो है वो लाइबल होगा टू द कंसेंट क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। तो है कुछ नहीं, केवल धारा 51 को एक एडवांस फॉर्म में जो है वापस से लिख दिया गया। इट इज बेसिकली अ रीबर्थ ऑफ सेक्शन 51 ऑफ कंसेंट BNS इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल अंडर सेक्शन 51 इज कमिटेड। जिस एक्ट के लिए जो अबेटर जो है लाइबल है और वो एक्ट जो है कमिटेड हुआ है और वहां पर धारा 51 BNS जो है लागू होगी और ये एक्ट एडिशनल है या इन एडिशन टू है टू द एक्ट अबेटेड और ये जो है अलग ऑफेंस जो है बना रहा है तो वहां पर अबेटर जो है दोनों ही एक्ट के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसा एक्ट जो किया गया है जो कि अबेटेड है और ऐसा एक्ट जो अबेटेड नहीं है बट एक ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और उसी एक्ट के साथ साथ जो है ये कमिट हो गया है और इसकी पूर्ण जानकारी जो है वो अबेटर को थी कि ये एक्ट तो कमिट होगा ही होगा। अब यहां पर इजी वे में समझने के लिए एक एग्जांपल जो है हमको लेना होगा कि ए जो है ये प्रोवोक करता है बी को कि आप जो है जेड को रोकिए और जेड एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है जी। अब बी जो है उसको रेसिस्ट करता है तो किसी को अनावश्यक रूप से रेसिस्ट करना रोकना ये भी एक अपराध है बट ऐसा करते हुए जो कंसर्न बी है वो जेड के साथ मारपीट भी कर लेता है, उसको ग्रीवियस चोटें जो है कारित करता है, ये भी एक अपराध है। तो इनिशियल एक्ट जो अबेटेड था वो तो हुआ ही हुआ, इसके साथ एक नया एक्ट भी हो गया जो कि अपने आप में एक ऑफेंस जो है बनाता है। तो भले ही सेकंड एक्ट जो है अबेटेड नहीं है बट चूंकि धारा 51 BNS लागू होगा तो धारा 51 और धारा 52 BNS के परस्पेक्टिव में जो कंसर्न ए है वो दोनों ही एक्ट के लिए जिम्मेदार होगा। मीन्स वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय बी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉजिंग रिस्ट्रेंट टू जेड बाई बी जो कि अबेटेड एक्ट है। तो कुल मिला के धारा 51 और धारा 52 जो है जुड़ी हुई आपस में और दोनों ही इफेक्टिव रूप से लाइबिलिटी को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। साथियों ऐसे अपडेट्स के लिए BNS के बारे में पेज को फॉलो लाइक जरूर करें।